कैसे हैं? आज मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं आपको टाटा एल्ट्रोज की, जो एक्सीविडेंट रहने वाली है, लो मॉडल एल्ट्रोज की। इसमें जो एसेसरी का काम हो रहा है मैं सब दिखाता हूं आपको। और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं। लॉकडाउन हो गई थी दिल्ली के अंदर और 6 तारीख से अभी लॉकडाउन खुली है, जो आज दूसरा दिन है हमारा शॉप ओपन हुआ है। और क्या क्या होता है मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, जैसे कि दिखाते हैं हम आपको एक एक करके। तो ये देख सकते हैं टाटा एल्ट्रोज रेड कलर की रहने वाली, एक्सी वेरियंट रहने वाली है ये। अभी इसके ऊपर हेडलाइट डीआरएल लगेंगे, अब लगने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको। इस सीट कोर का काम चल रहा है अभी, बकेट फिटिंग सीट कोर लगेंगे अभी। ब्लैक एंड रेड कलर का ये डिजाइन रहने वाला है, शॉक व्यू में रहने वाली है, रेड स्टिचिंग के साथ में प्रॉपर ही है, फुल बकेट फिटिंग में शॉक व्यू है। अभी फिटिंग होने के बाद चेकआउट कराता हूँ। स्टेरिंग रैपिंग भी होगी इसके अंदर और म्यूजिक सिस्टम का काम चल रहा है, जैसे कि देख सकते हैं JBL के स्पीकर लगाया, कोक्सियल स्पीकर है जो फ्रंट डोर में। म्यूजिक सिस्टम का भी काम चल रहा है, ये ओपन कर दिया है, फ्रेम वगैरह खोल दिया है। अभी इसके अंदर सिस्टम लगेंगे पैनासाउंड के, वो भी लगने के बाद दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं पैनासाउंड का म्यूजिक सिस्टम, ये लगेगा, फिट होगा। 9 इंची स्क्रीन रहने वाली है ये, IPS पैनल गोल्ड सीरीज ये लगेगा। जो स्पीकर लग रहे हैं JBL के देख सकते हैं आप, कोक्सियल JBL के। ये ना डब्बा, इसका डब्बा दिखाऊं मैं आपको, अरे बैक मार। 350 वाट में रहने वाली है ये, JBL इंटरनेशनल मॉडल। अभी रेन वाइजर वगैरह का भी काम होगा, वो भी मैं लगने के बाद दिखाता हूँ आपको वीडियो में। और बैक कैमरा का काम चल रहा है, जैसे OEM फिटिंग हम करके दिखाते हैं, जो टी के मोनो के नीचे वो भी अभी लगेगा, वो भी दिखाते हैं आपको लगने के बाद। ये देख सकते हैं ये कैमरा की वायरिंग वगैरह जो है अंडरग्राउंड होता है सारा, ये अंडरग्राउंड वायरिंग होगी, वो सब होने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको जब ये फिक्स हो जाएगा। ऊपर वायरिंग इसके अंदर से हो गई है, सारे कपलर टू कपलर फिटिंग होगा, वो होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एंटीना नहीं लगाया, एंटीना भी लगेगा, OEM फिटिंग एंटीना लगेगा इसके ऊपर, जो जगह दिया हुआ है एल्ट्रोज के अंदर, प्रॉपर फिटिंग का एंटीना है विद वायरिंग है, वो भी लगेगा, वो भी लगने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये तो रेड कलर के एल्ट्रोज का काम चल रहा है। और सामने देख सकते हैं आप, दो टाटा टियागो खड़ी है, उसके अंदर भी काम चालू करवा दिया है। काम चालू करवा दिया है इसके अंदर, सेंट्रल लॉकिंग का काम चल रहा है, सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडो, ये सब फिट हो रहे हैं। OEM फिटिंग वाली ये RD की सेंट्रल लॉकिंग रहने वाली है, पावर विंडो लग रही है और म्यूजिक सिस्टम भी लगेगा इसके अंदर। इसके अंदर भी सेम काम हो रहे हैं, स्पीकर जो लग रहा है इसके अंदर इन्फिनिटी के लग रहे हैं, बाकी पैनासाउंड का ही म्यूजिक सिस्टम लग रहा है इसके अंदर भी। और क्या क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट गया। ये देख सकते हैं इन्फिनिटी अल्फा सीरीज स्पीकर लगने जा रहा है इसके अंदर, कोक्सियल स्पीकर रहने वाला ही भी, कोक्सियल। और सेंट्रल लॉकिंग पावर विंडो का काम चल रहा है, फ्लिप की रिमोट लगेगा इसके अंदर भी। ये देख सकते हैं आप, रिमोट दिखाऊं तो रिमोट का है इसका, ये दो रिमोट आते हैं इसके साथ में, एक नॉर्मल रिमोट आता है और ये फ्लिप की वाला रिमोट है। अभी चाबी डलेगा इसके अंदर और टी का मोनो भी लगेगा इसके अंदर, RD की प्रॉपर रहने वाली है ये। और OEM फिटिंग पावर विंडो लगेगा, स्विचेस ऊपर लगेगा जैसे हम लगाते हैं। और इस टियागो के अंदर, ये 2018 मॉडल है, इसके अंदर भी अभी पावर विंडो का काम होना है, ये देख सकते हैं। और वो अपनी अल्ट्रोज का काम चल रहा है, ये अल्ट्रोज में DRL का काम स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं हम लगा रहे हैं हेडलाइट DRL लगेंगी, ये काम चल रहा है। ये शॉप अपनी, ये अल्ट्रोज वाले भाई है, भाई कहाँ से आए हो भाई? दिल्ली से। दिल्ली कहाँ से? सीलमपुर। सीलमपुर से।
और काम वाम जो हो रहा है अपनी गाड़ी में एल्ट्रोज में कैसा लग रहा है काम वाम? ठीक लग रहा है, खाली हो गई, थोड़ा शौक है अभी। क्या कह रहे हो? खाली हो गई गाड़ी, मतलब सीट वीट खाली। हाँ हाँ, अभी होने के बाद आपको प्रॉपर पता चलेगा। और फिटिंग वटिंग जो कर रहे हैं आपको सही दिख रहा है, सही कर रहे हैं? हाँ, अभी तो सही चल रहा है। ओके, तो फाइनली अपनी इस गाड़ी के एल्ट्रोज का काम हो चुकी है कम्प्लीट। क्या क्या हुआ एक एक करके दिखा दूं मैं आपको। तो ये बम्पर प्रोटेक्टर लगाया, देख सकते हैं ब्लैक क्रोम वाली। फोग लैंप भी अपने पास अवेलेबल है, बीएनए अभी लगवाया नहीं है। हेडलाइट डीआरएल भी लगे, इसके आउटपुट भी मैं चेक कराता हूँ अभी लगने के बाद। व्हील कैप लगाया हमने, अंदर ब्लैक पेंट कराए रिम को, और रिम के ऊपर ये व्हील कैप लगाया। लगने के बाद लुक चेकआउट करिए, काफ़ी अच्छी लग रही है, अलॉय व्हील की तरह आ रहा है प्रॉपर लुक। ये देख सकते हैं आप, ये साइड ब्रेक लगाए प्रॉपर ही एल्ट्रोज के लिए रहने वाली है। देख सकते हैं आप ब्लैक एंड सिल्वर, और सिल्वर डोर गार्ड आईपोप। साइड की बात करें तो रेन वाइजर लगाया अल्ट्रोज, प्रॉपर अल्ट्रोज की है क्रोम लाइनिंग वाली। ये देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर एंटीना लगाया अल्ट्रोज की। ये एंटीना लगाया प्रॉपर अल्ट्रोज के लिए, जो टॉप मॉडल में लग के आता सेम एंटीना विद वायरिंग आती है। ये प्रॉपर फिटिंग की रहने वाली है। ये देख सकते हैं बम्पर प्रोटेक्टर लगे हैं जो चारों कॉर्नर पे लगे हैं। म्यूजिक सिस्टम है तो भैया ने अब ओल्टेक का लगवाया अभी। ये ओल्टेक का ब्रांड भी अपने पास अवेलेबल है, ये बहुत अच्छी आउटपुट है। 2021 सीरीज गोल्ड गोरिल्ला ग्लास में है, फुली इंडोर सिस्टम है, 9 इंची में है, 2 GB 16 GB इंटरनल मेमोरी है इसकी। ये देख सकते हैं 1 GB और 2 GB दोनों अपने पास अवेलेबल है। IPS पैनल है, ये अलग सिस्टम लगाया है इसके अंदर हमने। और कैमरे की बात करें तो देख सकते हैं जो OEM फिटिंग का कैमरा आता है प्रॉपर, वो कैमरा लगाया हमने जो लग टॉप मॉडल में लग के आता है वो वाली सेम। और ये अपनी शॉप है डिजिटल का सिंगार, ये देख सकते हैं आप। इस शॉप जो है 41 करके खुल रहा। तो साइड लुक की बात करें तो कुछ ये आ रही है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको हेडलाइट डीआरएल चेक कराता हूँ जला के। तो ये देख सकते हैं डे का टाइम है, प्रॉपर ये व्हाइट लाइट जल रही है प्रॉपर, देख सकते हैं आप डीआरएल लाइट्स की। तो ये देख सकते हैं डीआरएल, ये डे का टाइम है व्हाइट होते हैं, नाइट में काफ़ी अच्छी लुक आती है, बहुत प्यारी लुक आती है इसकी। बाकी इंडिकेटर भी मैं जला के दिखाता हूँ, इंडिकेटर एक बार जलाना। ये देख सकते हैं इंडिकेटर में रनिंग करती है प्रॉपर, ये पूरी ऐसे रनिंग करती है नाइट मोड में, बहुत प्यारी लगती है। ये दूसरी साइड की भी है, आप चेकआउट करिए। और फ्रंट से लुक कुछ ऐसे रहने वाली है अल्ट्रोज की, काफ़ी अच्छी लग रही है लुक गाड़ी की। और ये भैया आए हमारे, अभी इनसे भी आउटपुट लेते हैं भैया से कैसा रहा काम। हम अंदर के दिखा दूँ उससे पहले मैं आपको, तो अंदर का जो काम हुआ है देख सकते हैं, वेलकम प्लेट लगा प्रॉपर, एल्ट्रोज लगी लिखी हुई, लाइट जलती है डोर खोलने पर, डोर बंद करेंगे तो लाइट बंद हो जाती है, ब्लू लाइट है ये। अंदर एडमोस्टर लाइट भी लगा, वो भी मैं आपको चेकआउट करा दूँ। ये देख सकते हैं आप, ये रिमोट जो मिलता है इसके साथ में कलर चेंज करने के लिए, वो काफ़ी वीडियो में मैंने आपको दिखाया, वो कलर चेंज कर सकते हैं, जैसा कलर करना हो उस पर करो, म्यूजिक पर चलाना है तो म्यूजिक पर भी चलता ही है। 70 मैट डले इसके नीचे प्रॉपर है। सीट कवर की बात करें तो सीट कवर की कुछ ऐसी फिटिंग रहने वाली है, देखा ये देख सकते हैं आप, प्रॉपर फिटिंग रहने वाली है। 3D स्टाइल में जो स्टिचिंग किया हुआ है काफ़ी अच्छी लग रही है, और पाइपिंग के साथ है गाड़ी की मैचिंग की, ब्लैक एंड रेड जो कार के कलर के है, अंदर से इंटीरियर कलर और आउटर कलर सारे मैच कर रहे हैं सीट के अंदर। और पीछे की कुछ फिटिंग चेकआउट करें तो कुछ ऐसे रहने वाली है, ये देख सकते हैं आप।
ये आमरेस भी लगाएगा, वुडन आमरेस है। कुछ सामान वान कुछ रखना है, छोटे मोटे वॉलेट वगैरह वो भी रख सकते हैं आप। स्टेयरिंग की रैपिंग देख सकते हैं, प्रॉपर रैपिंग की गई है। स्टिचिंग चेकआउट करिए, काफी जबरदस्त स्टिचिंग की गई है, देख सकते हैं आप। सेंटर लॉक का काम अभी नहीं करवाया भैया ने, सेंटर लॉक अगली बार ही करवाएंगे। और म्यूजिक सिस्टम का कुछ लुक ऑल टेक का ऐसे रहने वाले, ये देख सकते हैं आप। चारों डोर में JBL के स्पीकर लगे हैं, वो मैंने आपको दिखा दिया था, बाकी आउटपुट भी मैं चेक करा देता हूँ। तो आपको म्यूजिक के आउटपुट चेक कराऊं, चेक आउट करिए आप। तो देख सकते हैं फुल वॉल्यूम खोल दिया मैंने, फिर भी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं फट रही, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, साउंड काफ़ी अच्छी है। अगर और ज़्यादा बेस करना है तो बेस ट्यूब वगैरह भी आप लगवा सकते हैं, इसके अंदर आपको अटैच हो जाएगा, पर भैया का अभी रिक्वायरमेंट नहीं था। कार के अंदर साउंड काफ़ी अच्छी है। अब बात करें तो बैक कैमरा की, तो बैक कैमरा भी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। मूविंग कैमरा लगाया हमने मेगासोनिक का, वो भी मैं चला के आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कैमरा की आउटपुट चेक करिए, प्रॉपर आउटपुट आ रहा है काफ़ी दूर तक है। और ये जो लाइनिंग बनी आ रही है, जब हम कार को मूव करेंगे बैक करेंगे तो ये लाइन भी घूमेगी, जिधर को गाड़ी घुमाएंगे उधर की लाइनें घूमेंगी। और कैमरा की आउटपुट चेक करें तो कुछ ऐसे रहने वाली है, सेंसर प्रॉपर वर्क कर रहा है, जैसे कोई आदमी निकल रहा है तो सेंसर इंडिकेट कर रहा है प्रॉपर। ये काफ़ी अच्छी कैमरा की क्लैरिटी आ रही है, आप चेकआउट करिए। बाकी भैया से फीडबैक लेते हैं रेट वगैरह की क्या है, कैसे लगा भैया को। तो ये भैया है हमारे कार ओनर जो रहने वाले हैं, इनसे कुछ फीडबैक लेते हैं। और जी भैया क्या नाम हुआ अपना? मेरा उमेद हसन कुरैशी। कुरैशी साहब कहाँ से आए? मैं भाई अपने सिलमपुर से आया हूँ, जमनाबाद। सिलमपुर से आए, दिल्ली का रहने वाले। दिल्ली का रहने वाले हैं। मेरे दुकान के बारे में कैसे पता चले भैया? मेरे को आपका यूट्यूब पे चैनल बहुत बढ़िया लगता है जी, मैं आपका अक्सर वीडियो देखता था जी। और गाड़ी ली थी मैंने ऊपर वाली कृपा से जी। मैंने सोच रखा था कि जी जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो मैं आपसे ही काम कराऊँ, मुझे आपका काम भी बहुत बढ़िया लगा। तसल्ली बस पूरी सेटिस्फाई आपने दिया मेरे को जी, हल्की फुल्की बात आई वो भी आपने मेरे को पूरे तसल्ली करा के जी जी। साथ में आपने मेरे को कुछ बिट भी प्रोवाइड कराया जी, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी काम भैया का मुझे बहुत बढ़िया। और रेट वेट का कैसा लगा भैया आपको जी? रेट वगैरह जो हमारा प्राइस होगा आपके जेन बने, क्योंकि मैंने और भी जगह ट्राई करा था, देखा जी, भी था जी जगह, लेकिन आपका रेट मेरे को बेस्ट लगे, आपसे पहले ही रोड नहीं पड़ेगा। काम और रेट दोनों से सर्टिफाइड जाए, रेट और आपके काम करने वाले उनकी आदत मुझे बहुत बढ़िया लगी। बहुत अच्छा भैया। और हमारे कस्टमर व्यूअर वगैरह को आप कहेंगे आने के, आपने कोई दोस्त यार हो कोई हो? बिल्कुल, मेरे और भी मिलने वाले हैं जो अभी गाड़ी भी लिए, उनको भी बोलूँगा, बाकी अपने यूट्यूब पे भी डालूँगा मैं जी। और बाकी यहाँ के लिए बिल्कुल कहूँगा कि आप दुकान पर आए और बढ़िया काम, बिल्कुल देंगे बिल्कुल। और एक बात और बता दूँ, हमारी जो इस वीडियो में जितने व्यूअर हैं उनको बता दूँ, कस्टमर है जो हमारी शॉप है वो सामने शिफ्ट होने जा रही है, जो सामने वाली शॉप है देख सकते हैं कार मॉल, इधर शिफ्ट होगी अभी शॉप, ये कुछ वीक में शॉप उधर शिफ्ट हो जाएगी। तो कोई भी कस्टमर हो आना चाहे, अगर बाई चांस मैं इधर ना मिलूँ तो वहाँ मिलूँगा, बाकी ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और भाई को भी दिखा दूँ, छोटा भाई भी एक आया हुआ है। भाई क्या नाम हुआ अपना? साकिब कुरैशी। भाई कैसे हो? ठीक है। काम कैसा लगा हमारा? बहुत बढ़िया। चलो खुश हो ना? ओके ओके भैया।
तो वीडियो को एंड करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलता हूँ आपको। नमस्कार।